इस चारे का टाइमिंग कैसे करते हैं। पहले देखते हैं पाम का टाइमिंग। ए है पाम, तो इसका टाइमिंग कैसे करता है। हाँ दोस्तों, अंदर जो हॉल दिख रहा है ना, उधर पे ए वाला ढुकेगा, अंदर जाएगा ए वाला। अंदर जो हॉल है ए अंदर जाएगा और ए पाम जो है ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए, ओ वाला है। हाँ दोस्तों, पाम्प लॉक कर दिया है इसके वजह से। अभी देखेंगे कैम का टाइमिंग। आपका टेपिट कवर खुला हो तो कैम का टाइमिंग ए वाला इधर पे, ओनली ए वाला इधर पे ऐसा सेटिंग हो गया। और जो दो काटी है ए है और ए है, ये दो है, तो इधर पे ऐसा सेटिंग हो गया और इधर पे ऐसा सेटिंग हो गया, तो इसका टाइमिंग ओके। और देखते हैं कैम पुली का कैसे टाइमिंग करते हैं। हाँ दोस्तों, यह कैम पुली का टाइमिंग। वो अंदर जो हॉल है, वो जो हॉल दिख रहा है उधर पे जो लगेगा वो वाला गाड़ी, ये वाला कैम लॉक है, ये कैम भी लॉक कर दिया। हाँ दोस्तों, और यह क्रैंक का टाइमिंग। ये जो काटी है ये वाला सीधा होगा इधर से स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट होगा इधर से स्ट्रेट। और ये जो टाइमिंग का लॉक सेट है ये वाला है एरो चिन्ह, ये इधर से उधर से आराम से बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, तो आपका टाइमिंग ओके है। ठीक है, ऐसे आराम से बैठ जाएगा ए काटी और अंदर जो है वो काटी, सेम सेम हो जाएगा, तो आपका टाइमिंग, इसका टाइमिंग ओके है। अभी खोल देंगे इसका टाइमिंग बेल्ट। हाँ, पोली निकल दिया है। ये फोर सिलेंडर के इंजन का एक ही प्रॉब्लम है, इधर पे एलेंकी नहीं घुसता, तो एलेंकी को थोड़ा काट लेना है। ठीक है, अभी इसको निकालना है बाहर तरफ। ये एडजस्टर को खोल लेना चाहिए और भी बेल्ट आसान हो जाएगा खोलने भी और चढ़ाने भी। निकल दा बेल्ट, इसका ज़्यादा नहीं खोलना है क्योंकि हमको इधर इसका ओनली हेड निकलना है। तो हेड निकलने के लिए जो जो खुला है वही वाला खोलना है ओनली, ये कवर को हटाना होगा। हाँ, ये पुली तो ऑलरेडी हट गया है, लेकिन ये पुली बाहर नहीं आएगा क्योंकि इधर पे अटक जाएगा, बाहर नहीं आएगा। इसको घुसाने का टाइप वैसा ही घुसाना होगा। अगर ये थ्री सिलेंडर इंजन होता तो आसानी से निकल जाता, ये फोर सिलेंडर इंजन है।